بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. فرسٹ آف آل آئی انٹروڈیوس ٹو مائی سیلف, مائی نیم از اشنان رضا اینڈ آئی ایم اے لیکچرر آف دا کامرس ایٹ اکاؤنٹنسی اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو بی ڈسکس انٹرسٹنگ ٹاپک ریلیٹڈ ٹو دا بزنس اسٹیٹسٹک انڈیکس نمبر. کلاس سے پہلے انڈیکس نمبر میں ہم نے جو 5.1 کو سالو کیا ایکسرسائز, اور اس دن اب 5.2 کی طرف ہم لاسٹ ٹو کوشچنس ہیں. तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 की क्वार्टमेंट को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्यूट फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2010 एंड 2011 यूजिंग. 2010 में हमारे पास लेजर इंडेक्स है, फिशर्स इंडेक्स है, 11 में भी हमारे पास लेजर है और फिशर्स इंडेक्स है. और आपने यहाँ से क्या मालूम करना है, फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2010 एंड 2011 जी. तो हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. रिक्वायरमेंट है कंप्यूट फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फायर 2010 एंड 2011 जी. हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए ईयर्स में हमें क्या हुआ है, 2010 2011 और इसी तरह से हमें लेस्ट ईयर्स भी दिया हुआ है दोनों सालों के लिए. ठीक है, इस तरह से फिशर्स इंडेक्स नंबर है जिसमें 116.63 देन 109.18. मालूम हमने फिशर इंडेक्स करना था, एज यू नो कि अगर हम इसको सॉल्व करें फिशर्स इंडेक्स फॉर 2010 फॉर्मूला हमारे पास था फिशर्स इंडेक्स मल्टीपल फिशर्स. ठीक हो गया. अब ये देखिए हमारे पास डेटा है 2010 का, 2010 का लेज पेयर आपने देखना है. 2010 का देखिएगा तो हमारे पास है 133.52 मल्टीपल फिशर्स इंडेक्स में देखिएगा 2010 में हमारे पास है 116.63. इस तरह से अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेटर पे डालिए तो हमारे पास क्या आंसर आता है इसका. जी देखिए 133.52 मल्टीप्लाई 116.63 तो ये आ रहा है 155.72.437. इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे जी तो हमारे पास जो आंसर है वो है 124.79. ठीक हो गया. यानी कि हमने फिशर इंडेक्स से क्वेश्चन को सॉल्व किया. डेटा हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास यानी कि 2010 के लिए था. अब हम जो जा रहे हैं अब हम 2011 के लिए फिशर इंडेक्स को मालूम करने जा रहे हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट देखते हैं जी, इधर ही हम करेंगे 2010 के लिए हमारे पास आंसर आ गया. इसी तरह से 2011 के लिए हमें मामला करना है. फिशर इंडेक्स फॉर 2011 फॉर्मूला हमारे पास था, ईयर्स हमारे पास दूसरा है तो हमने इसलिए
स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्सिस दो सौ ग्यारह में स्क्वायर स्क्वायर हमारे पास क्या है चेक कीजिएगा 1 to 8.67 1 to 8.67 और पेशेंस क्या है हमारे पास 109.18। अब इसी तरह से 1 to 8.67 मल्टीप्लाई 109.18 आप इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1404481906 और इसका स्क्वायर रूट लेना है आपने तो हमारे पास आंसर है 118.53 118.53 हमारे पास आंसर है। लेकिन और फ्रेशेस की वैल्यूज हमें यहाँ पे 2010 से 2011 में दी हुई थी। फार्मूला हमने फिशर इंडेक्स का निकालना था, फिशर इंडेक्स हमें 2010 से भी करना था और 2011 से भी करना था। इसी तरह से हम दोनों फार्मूला जो है दोनों जो है वो ईयर्स के लिए हमें जो है वो कैलकुलेट कर लिया है फिशर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल्स शो द एवरेज प्राइसेस रुपीज फॉर वीट राइस मेज एंड हर्ड। ठीक है, ईयर्स में हमें डाटा ईयर्स का डाटा है 2013-2018 का। वीट की कीमत 2013 में 105 है, राइस है 45, इसी तरह 2018 में वीट 115 और जो है वो आपके पास है 58। नेक्स्ट मेज है और बैडली है तो ये 60, 72, 32, 35। अच्छा रिक्वायरमेंट्स की क्या है, टेकिंग 2013 एज अ बेस ईयर कंप्यूट वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर वेटेड एवरेज। यानी एक नया फार्मूला हमारे पास अभी आ गया कि वेटेड एवरेज जो है यहाँ पे आपने रिलेटिव प्राइस इंडेक्स मालूम करनी है जिसमें यहाँ बोला है कि नंबर्स फॉर द कमोडिटीज टुगेदर फॉर द ईयर 2018 यूजिंग द वेट 55। वीट के लिए वेट आपने यूज करना है 45 और राइस के लिए 40 और मेज के लिए 30 फॉर बेडली के लिए। ठीक है, तो अभी आपने ये देखना है कि हमारे पास फार्मूला क्या है और फार्मूला के बारे में क्वेश्चन करेंगे। पहले इसकी रिक्वायरमेंट को लिखते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इसकी क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 10 है, इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की क्या रिक्वायरमेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 10 की रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या करना है, टेकिंग 2013 एज अ बेस, एज अ बेस ईयर और कंप्यूट वेटेड एवरेज। चलें कंप्यूट वेटेड एवरेज और वेट हमारे पास डिफरेंट ये हुए हैं चंद्री बॉक्स डाटा जब हम अरेंज करेंगे तो उसमें लिख दूंगा कि वेटेड एवरेज का फार्मूला हमारे पास था वेटेड एवरेज का जो कि है समेशन पी नॉट डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई समेशन डब्ल्यू मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेटेड एवरेज। ये हमारे पास वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला है इसके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट में जरा देखिएगा कि हमारे पास वेटेड एवरेज को हमने लिख दिया। अब डेटा है, डेटा में हमारे पास डिफरेंट आइटम्स आएंगी, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, आइटम्स आएंगी जिसमें हमारे पास वीट राइस और मेज देन हेड आपने एटम्स में डाटा वगैरह लिखा। ठीक है, प्राइजेस है 2013 के लिए हमारे पास यहाँ पे प्राइजेस लिखेंगे। ठीक है, और ये प्राइजेस हमारे पास होंगी ये 2013 की प्राइजेस होंगी इनके लिए जिसमें हमारे पास 105 40 और 60 और 32 और साथ में कि बेस ईयर हमारे पास 2013 है तो बेस ईयर हमारे पास 2013 तो वो पी नॉट हो जाएगा। आप 2018 तो ये हमारे पास पी वन हो जाएगा। इसकी प्राइस हमारे पास दी हुई है 115, 58
then brush up over the pants. ठीक हो गया. अब हमारे पास weights भी दिए हुए थे. तो weights W से denote होगा. और weights मैंने आपको अभी पार्ट के क्वेश्चन बताए थे कि weight के लिए है. आपके पास जो weight है weight के लिए weight को W से show करते हैं. weight के लिए जो पहला weight है वो 55 है. जी then rice के लिए आपके पास weight 45. then मैं इसके लिए 40 और इसके लिए 30. इधर वैल्यू के लिए 30 वेट हमारे पास आ चुका है. अब फार्मूला हमारे पास ये है कि P1 को नॉट पे डिवाइड करना है और W पे आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो हम देखते हैं जी. हम देखते हैं कि P1 डिवाइडेड बाय P0. ठीक है, और आपने इनका फिर सम करना है और W पे यानी कि उनको सब मल्टीप्लाई करके तो आपने इनका सम करना है. चलिए चेक करते हैं हमारे पास जो P1 की वैल्यू. अब लेट्स सपोज के हमारे पास यहां पे क्या है. P1 में हमें देखें तो हमारे पास 115 डिवाइडेड बाय P0 की वैल्यू 105. ठीक है, उसका वेट हमारे पास था 55. तो उसकी वैल्यू हम उधर लिखेंगे जी 115 डिवाइडेड बाय 105 और मल्टीप्लाई वेट 55. तो हमारे पास वैल्यू आ गई हुआ 60.238. तो 60.238 हमारे पास ये वैल्यू आ गई. देन हमारे पास क्या है कि 58 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई 45. तो हमारे पास इसका जो आएगा वो है 58 ही आएगा. ठीक है, देन हमारे पास है जी 72 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई हमारे पास है इसका वेट 40. तो 72 को आपने 60 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 40 पे. तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 48. ठीक हो गया जी. एंड द लास्ट वन हमारे पास क्या है. हमारे पास लास्ट वन में है कि आपके पास 35 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई हमारे पास 30 है. तो देखते हैं 35 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई 30. तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 32.8125. अगर आप इसका सम करते हैं क्योंकि यहाँ पे सम कहा गया है तो सम कर लेते हैं 48 + 558 + 60.238. तो अगर हमने सम किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 199.0505. ठीक है, ये हमारे पास सम करके जो आया है P1 ओवर P0 का और जो हमारे पास यानी कि मल्टीप्लाई में W के साथ किया था उसका सम हमारे पास आ गया यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. लेकिन अब हमने क्या करना है, W का भी सम करना है. तो W का सम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है 55 + 45 + 40 + 30. तो हमारे पास आ रहा है 170. इसका सम भी हमारे पास जो है 170 ही आ रहा है. अब आपके पास फार्मूला था जो वेटेड एवरेज का फार्मूला था वो ये था समेशन P1 और P0 और आपने इसका सम करना था और इसको W के साथ मल्टीप्लाई और समेशन W. तो मल्टीप्लाई आपने 100 करना था. हमारे पास जो वैल्यूज थी वो देखिएगा हमारे पास वैल्यू आई थी 199.0505 डिवाइड किया P0 के उसके ऊपर समेशन W के ऊपर तो उसकी वैल्यू थी 170 और मल्टीप्लाई आपने करना था 100. तो अभी चेक करते हैं ये हमारे पास क्या आंसर आता है 199.0505 डिवाइडेड बाय 170 और हमने किया हमारे पास आया 1.1708 मल्टीप्लाई आप 100 कर देंगे. मल्टीप्लाई आपने 100 किया तो हमारे पास आया 117.09. तो 117.09. सो दिस इज योर आंसर वेटेड एवरेज का. हमारे पास जो आंसर आ गया है तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज का जो है वो यहाँ पे आंसर है. आसान सा मामला था. वेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिए हुए थे, उसने निकाल के दिए हुए थे डिफरेंट जो है आइटम्स के लिए. तो आपने सिंपल क्या करना था, फार्मूला समेशन P1 और P0 मल्टीप्लाई बाय W और फिर जो वैल्यूज आनी थी जैसे मैंने किया उसका सम करना था ये ऊपर और नीचे W का नोट करके मल्टीप्लाई 100. तो इस तरह से वेटेड एवरेज का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने जब सॉल्व हो जी. तो नेक्स्ट पे है लास्ट क्वेश्चन. इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास. उम्मीद है क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट है हम इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.2 का उसको डिस्कस कर लेते हैं. जी क्वेश्चन नंबर अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 को पहले समझते हैं. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसने हमें हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी ऑफ द मिडिल क्लास पीपल इन अ सिटी गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है,
और आइटम्स हमें दी हुई हैं जिसमें फूड रेंट क्लॉथिंग एंड फ्यूल एंड मिसलेनियस जो भी दूसरी हैं एक्सपेंसेस हम इसके ऊपर हैं 35% फूड के ऊपर रेंट के ऊपर 15% और इसके अलावा क्लॉथिंग के ऊपर 20% फ्यूल के ऊपर 10% मिसलेनियस के ऊपर 20% प्राइसेस 2003-2005 की दी हुई हैं और कैलकुलेट द वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव्स तो वेटेड एवरेज भी आपने निकालनी है यानी कि वेट जो उनसे हैं उसने हमें परसेंटेज में यहाँ पे दे दी है तो कोई मसला नहीं है आप उसके उसी तरह से वेट को ज्यूम करेंगे तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव प्राइस इंडेक्स तो रिक्वायरमेंट है जी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स जी क्वेश्चन को हल करते हैं जी सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं आइटम्स में हमारे पास क्या है फूड रेंट क्लॉथिंग फ्यूल और मिसलेनियस ठीक है इसमें हमारे पास डिफरेंट वेट्स उसने जो परसेंटेज में दिए हुए थे 35, 15, 20, 10 and 20 ठीक हो गया देन हमारे पास जो प्राइजेस थी जो पीनाट यानी कि उसने किसको ज्यूम कहा है उसने बोला है कि 2003 एज अ बेस ईयर 2003 को अपने एज अ बेस ईयर रखना है जिसका मतलब है कि 2003 में जो प्राइजेस हमें दी गई हैं वो हमारे पास जो है वो क्या आएंगी वो हमारे पास पीनाट आएंगी तो प्राइजेस को देखते हैं हमारे पास क्या आएगी 150, 30, 75, 25 and 40 ठीक हो गया जी अब 2005 की हमारे पास प्राइसेस हैं वो हमारे पास क्या आएंगी 2005 की जो प्राइसेस हैं उसको हम P1 के साथ यानी कि शो करेंगे जो कि हमारे पास क्या है 145, 30, 65, 23 and 45 यानी कि ये हमारे पास P1 का डाटा मौजूद था तो एज यू नो कि हमने फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे वेटेड एवरेज के लिए फार्मूला हमारे पास था कि समेशन जो है वो आप कह सकते हैं P1 over P0 मल्टीप्लाई W हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे ठीक है और हमारे पास है नीचे समेशन जो है W के साथ आपने इसको करना था मल्टीप्लाई आप इसका जो 100 करेंगे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था वेटेड एवरेज के लिए तो ऐसे ही हो कि हम सबसे पहले इस तरह से करते हैं कि जी P1 और P0 को W के साथ मल्टीप्लाई उसका हम सम कर लेंगे नीचे अब देखते हैं हमारे पास किस तरह से आएगा कि P1 की वैल्यू 145 और P0 की 150 और मल्टीप्लाई आपने वेट के साथ करना है 35 के साथ यहाँ पे भी 30 over 30 और मल्टीप्लाई आपने वेट के साथ करना है यहाँ पे भी हमारे पास 65 over 75 को मल्टीप्लाई आपने वेट के साथ करना है वेट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20 है यहाँ पे 23 over 25 और मल्टीप्लाई आपने 10 के साथ करना है यहाँ पे जी 45 over 40 और मल्टीप्लाई आपने 20 के साथ करना है तो इस तरह से अगर हम जो है वो इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से वैल्यू आती है कि 145 divided by 150 और मल्टीप्लाई आपने 35 के साथ किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है इधर देखते हैं वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 33.833 इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 843 लगा लेते हैं ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट पे है 30 over 30 तो ये हमारे पास जो है 15 ही रहेगी नेक्स्ट है 65 over 75 मल्टीप्लाई आपने 100 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 65 over 75 तो 65 over 75 मल्टीप्लाई 20 आपने किया तो हमारे पास 17.333 आ रहा है मल्टीप्लाई आपने इसके 20 इसके वेट के साथ भी करना था तो 17.3333 यानी ये वैल्यू आ गई अब लास्ट में 23 over 25 और वेट के साथ मल्टीप्लाई करना था तो हमारे पास आ गया 9.2 और इसी तरह से लास्ट पे भी हमारे पास 45 divided by 40 और मल्टीप्लाई हमारे पास है 20 तो हमारे पास क्या आएगा 22.5 तो अगर हम इनका सम कर लेते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है +9.2 +17.3333 और देन 15 +33.833333 तो हमारे पास जो आसम आया 97.9
97.8666। अब आप वेट का सम करेंगे, हमारे पास जो वेट का सम है देखते हैं क्या आता है, 35 + 15 + 20 + 10 + 20, तो हमारे पास है जी 100। ठीक है, अब इसी तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये था कि B1 और B0 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास वो क्या आ रही है, 97.8666। आपने मल्टीप्लाइस को W से किया वेट के जरिए, अब समेशन W में हमारे पास था 100 और यहाँ पे भी हम 100 करेंगे, तो अब ये देखिएगा हमारे पास उसका आंसर है 100 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका 97.8666। तो आपकी ये चीज़ की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने क्या यहाँ पे कैलकुलेट किया कि बेसिकली हमारा फॉर्मूला था वेटेड एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, जिसके लिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था और उसने हमें बताया था कि 2003 को एज अ बेस ईयर आपने यहाँ पे कंसीडर करना है। जी क्लास, उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2 की भी अगर अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने इसके लास्ट क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टैटिस्टिक्स के फर्दर जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हमने इंडेक्स नंबर को वाइंड अप किया, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।